मैथ्स वाओ बुक पेज नंबर 65। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, राइट? मैम ने आपको पहले ही बता दिया था कि हम टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यू ऑल रिमेम्बर दैट? लाइक अगर मैम ने आपको एक क्वेश्चन दिया है, like I have given you a question, 15 or let's say 2, okay, minus 1. So you all know 2 minus 1. आप कैसे करोगे? Two fingers open करोगे and you will close one finger. जितनी fingers आपके पास बचेंगी open हुई भी, that is your answer. That means 1. This though we have already done, beta. Now we will learn something new, and that is subtracting from 10. For now, I have muted you all. अभी मैम ने आपको mute कर दिया है. If you are having any problem, I'll take it after my explanation. Okay? Yes, be ready for your EVS test also. So beta, when we have to subtract from 10, hum 10 mein se subtract kaise karenge? Kaise aap subtract karoge? Ye dekho, 10 ants are standing in a row. Yahan pe 10 ants khadi hain ek row mein. Can you see? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ants खड़ी हैं ग्रो में. Pay attention here everyone. Ansh, Drishti. अब उसमें से one ant goes away. One ant चली गई. तो कितनी ants बची? How you will do? 10 ants में से आप क्या करोगे? One ant को cross कर दोगे. You will cross one ant. Now see how many ants are left. अब हम देखेंगे कितनी ants बची हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here 9 ants are left. Okay? अब इसे हम और कैसे करते हैं? You have to focus on this format also. ये मैम ने कैसे किया है? देखो, 10 एंड्स थी टोटल. कैन यू सी? 10. अब 10 में से 1 चली गई. 1 गोज अवे. यहां पे हम एक एरो और बनाएंगे तो कितनी एंड्स बची? हाउ मेनी एंड्स आर लेफ्ट? 9. यस, सो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस फॉर दिस. इसके लिए हम आइदर वी कैन राइट इन दिस वे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, अदर इजियर वे इज टू मेक ब्लॉक्स. बेटा आप ब्लॉक्स भी बना सकते हो. ब्लॉक्स कैसे? 10 लीव्स. तो आप 10 लीव्स मीन्स आप 10 ब्लॉक्स बना लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे यहां पे बने हुए हैं. फिर इसमें से आप 4 आप ब्लोन अवे, 4 लीव्स को कट कर दोगे. 4 चली गई. तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितनी बची हैं? यू विल राइट डाउन दिस आंसर. आप ये लिखोगे, ओके, कि आपको कितना बचा है. इन दिस वे यू कैन डू. ऐसे आपको करना है ये वर्क. नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. अभी आप ये रिमेनिंग वाले खुद करोगे. 10 minus 1, 10 minus 3. डू इट बेटा.
Now let us come to the next page. Page number 65. Practice sheet. Open it. How to do these questions? ये वाले questions हम कैसे करेंगे? I will tell you. बेटा same चीज है ये, बस the questions are written in different styles. यहाँ पे अलग अलग तरह से questions लिख दिए हैं, ठीक है? But questions are same, same question है. कैसे? देखिए. 10 minus 3. 10 में से 3 गए. How many are left? Open your 10 fingers. Do it with your ma'am. Yes, very good Arnav. Very good Arohi. Now close 3 fingers. Very good Kaina. Close 3. Yes. So how many are left? Count. Seven. So we will write 7 in this circle. हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है? और same हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 10 minus 3. 10 में से हमने 3 minus किए, equals to 7. ऐसे करना है हमें. सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे अब. डू इट योर सेल्फ. बी पार्ट. हैव यू डन बी पार्ट? चेक योर आंसर फ्रॉम हियर. 10 माइनस 3 7. 6 माइनस 3 3. ऐसे ही किया है आपने. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन 2. नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. अब हम लोग नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. हाउ टू डू इट, कैसे करते हैं, वी विल सी. लुक हियर, स्टॉप राइटिंग. आरोही, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखोगे जैसे मैम आपको समझा रही है, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन, 9 माइनस 3. ये आपको माइनस करना है नंबर लाइन पे. नंबर लाइन क्या होती है? व्हाट इज नंबर लाइन? एक ऐसे बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है बेटा? और इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, similarly, and so on. Now, A part. What is A part? 9 minus 3. So, हम कैसे minus करेंगे? देखो, look here. First number is 9. ठीक है? तो हम 9 कहाँ लिखा है number line पे? 9, 9, 9, 9, 9. Here it is. तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे. And we have to jump back. हमें back jump करना है, backwards. आप playing करते हो ना game? And हमें कितने times jump करना है? 3 times. Let us jump. करें jump. One, two, and three. So the answer is 6. What is the answer? 6. Again, I'm telling you, हमने कैसे jump किया बेटा? 9 से हम 3 times jump करेंगे. 1, 2, and 3. यहाँ पे jump किया हमने. So कहाँ पे आए हैं हम?
Which number is this? 6. So 6 is the answer. यहाँ पे 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है? और आप यहाँ पे लिख सकते हो A. A means हमने यहाँ पे A पार्ट किया है. Now coming to the next topic, next answer, next part. 6 minus 1. 6 का है ये रहा. यहां से हम वन टाइम जंप करेंगे. 1. ओहो, 1 तो यहीं पे ही हो गया. So we are on which number? 5. And here हम लोग यहाँ पे लिख देंगे B. मतलब यहाँ पे मेरा B पार्ट हुआ है. Now again changing the color. अब मैम दोबारा कलर चेंज करेंगी. Which color? Green लू. Okay. C is 8 minus 0. 8 से स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट नंबर होता है वहां से स्टार्ट करते हैं. कितना जंप करना है? कितने टाइम्स जंप करूं? 0. 0 मींस जंप करना ही नहीं है. तो हम यहीं पे स्टैंडिंग हो जाएंगे. सो व्हाट इज द आंसर? कहां पे हैं हम? 8. और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? C. And last part, 4 minus 2 means I will start from 4. 2 times jump करना है. 1 and 2. So हम कहाँ पे आ गए? 2. And here I will write D. Now do it yourself. And third question तो आपको आता है. 8 minus 1, 9 minus 7. Do it yourself. ये आप खुद करोगे. Now coming over the fourth question. Read the story and subtract. आपको story read करनी है और अकॉर्डिंगली आप सब्ट्रैक्ट करोगे. देयर वर 10 एग्स इन अ बास्केट. एक बास्केट में 10 एग्स हैं. 3 एग्स ब्रोक्ड. 3 एग्स टूट गए. 1, 2, 3. हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट अनब्रोकन. सो कितने एग्स ठीक हैं? सो आप क्या करना है आपको? 10 minus 3. Do it of your own. And again, here we will write 10. Kitne broke ho gaye? 3. Kitne bache? Subtract kariye. So answer is 7 eggs are left unbroken. In this way, you have to do this practice sheet of Maths Wow book. आपको ये करनी है. And in the next class of Maths, that is on Saturday, we will be going through the word problems. फिर हम जैसे हमने अभी ये word problem करी है, story read करी है, ऐसे हम word problems अपनी notebook में करेंगे. Okay? हम लोग statements draft करेंगे. And we will learn to make the statements and then we will copy word problems in our maths notebook. Complete your work. Last class mein humne maths some more book ki thi. Today we will be doing Maths Wow book and I'll be sharing the homework pictures with you. Be careful while doing that.
आपको ध्यान देना है कि मैम ने मैथ्स वाओ बुक का पेज नंबर दिया है या मैथ्स समोर बुक का दिया है, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू. बेटा दोनों बुक्स डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. टेक द क्वेश्चंस एज मैनी एज मच एज यू कैन. जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस लो. मम्मा से क्वेश्चंस ले लो, पापा से क्वेश्चंस लो, बुक के क्वेश्चंस करो. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ईवीएस टेस्ट एज वेल.